नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमोल दीपक केड़कर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको केड़कर मानस रिहैबिलिटेशन सेंटर मतलब पुनर्वसन केंद्र के बारे में जानकारी दी थी। अब ये पार्ट टू में आपको मैं अधिक जानकारी उस वीडियो के बारे में दूंगा। ये जो रिहैबिलिटेशन सेंटर है ये अकोला से अप्रोक्सीमेटली 3.5-4 किलोमीटर अंतर पर स्थित है। वहाँ आने जाने को प्राइवेट बसेस गवर्नमेंट बसेस उपलब्ध है। ये जो रिहैबिलिटेशन सेंटर है इसकी खास बात यह है कि ये एनवायरनमेंट के बहुत पास में है। पूरे चारों तरफ पूरी तरह खेत और झाड़ों से ये स्थित है सेंटर। इसमें हम ये ख्याल रखते हैं कि हर पेशेंट को हम प्राइवेट और पर्सनल अटेंशन देते हैं, उनका साइकेट्रिक और मेडिकल काउंसिलिंग भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेशेंट व्यसन के लिए एडमिट हुआ है तो वो पेशेंट से हम अच्छी तरह से बात करते हैं। वो अल्कोहल या शराब क्यों पीने लगा उसके पीछे हम इंक्वायरी निकालते हैं, उसको काउंसिलिंग करते हैं और पेशेंट को अच्छा करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में हम पूरे पेशेंट्स में एक टीम वर्क की भावना जगाते हैं ताकि वो साथ में काम करें, साथ में खाना खाए और एक दूसरे झगड़े नहीं, साथ में रहने का उनको एक आदत तैयार हो। हमारे यहाँ हमारा जो सेंटर है वहाँ हम अल्कोहल एनोनिमस की मीटिंग भी लेते हैं जिसमें हम हमारे एक्सपीरियंसेस बताते हैं, पेशेंट अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं और एक्सपीरियंसेस शेयर करके पेशेंट को समझ में आता है कि हमने अभी तक कितनी गलतियाँ की है। साथ ही हम वहाँ प्रेयर लेते हैं और मीटिंग लेते हैं और खुद को ये बताते हैं और पेशेंट्स अपने जो है वहाँ वो खुद को एक्सप्रेस करते हैं और ये अपने जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है उसको शेयर करते हैं। हम सुबह और शाम को नाश्ता खाना पीने का इंतज़ाम करते हैं। साथ में हम आउटडोर एक्टिविटीज़ भी रखते हैं जहाँ पेशेंट जो कैंपस है उसी के अंदर लेकिन जो बिल्डिंग है उसके बाहर जाकर पेशेंट खेलकूद कर सके, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इंडल्ज हो सके और साथ ही में इंडोर एक्टिविटीज़ भी हम रखते हैं। साथ ही में फीमेल पेशेंट्स के लिए हमने अलग व्यवस्था की है जहाँ पेशेंट्स बाहर जाके कुछ आउटडोर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं या खेल सकते हैं। साथ ही में अंदर हम ऐसे एक्टिविटीज़ रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल सिंगिंग, डांस और कुछ भी ऐसा एक्टिविटीज है जो खुद को एक्सप्रेस करना है वो भी हम वहां करते हैं। फीमेल्स के लिए स्पेशल सिक्योरिटी का भी इंतजाम किया है जहां 24/7 हमने अलग अलग लेडीज को वहां वॉचमैन के तौर के रखा है जिसमें फीमेल्स को कोई भी प्रॉब्लम होगा नहीं। ऐसा ये सेंटर है जहां हम 24/7 हमारा खुद का ध्यान रहता है। हमारे यहाँ वेबकैम है, स्पेशल स्पाई कैमराज है जो हमारे पास रहते हैं ताकि हमारे हॉस्पिटल से वो जो सेंटर है वहाँ पूरी चीज़ें जो हो रही है वो ऑपरेट कर सके। साथ ही में अगर कुछ स्पेशल प्रॉब्लम पेशेंट को होता है, फॉर एग्जांपल अस्थमा या पेशेंट को ईसीटी देना है तो स्पेशल कार से हम वो पेशेंट को लाने जाते हैं और यहाँ आके हम आगे की ट्रीटमेंट देते हैं। ऐसा हमारा ये सेंटर है। ये अगर आपको सेंटर पसंद आता है तो ज़रूर मुझे कॉल करिए, बताइए। अगर आपकी कुछ डिमांड्स होंगी तो मुझे पूछिए। जैसे मैंने बताया ये सेंटर बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, चीप है, इकोनॉमिक है और बहुत ही एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं जल्दी ही आगे की वीडियोज़ में लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।